गोरखपुर विश्वविद्यालय के गौतम बुद्ध छात्रावास में विश्व पर्यावरण दिवस और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पौधरोपण करके मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ अपर आयुक्त न्यायिक डीके सिंह व युवा कल्याण परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर इब्राहिम चंद कौशिक द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इस मौके पर नीम, आम, पीपल सहित 51 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने कहा कि प्रकृति को बनाए रखना, जीव जंतुओं का संरक्षण, जल का अपव्यय हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा, नदियों तालाबों की सफाई एवं उत्तर प्रदेश में करोड़ों पौधों को लगाकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। हिंदुत्व एवं विकास के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले वर्तमान वैश्विक संकट में भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक योद्धा के रूप में चर्चित हुए हैं। उनके हॉटस्पॉट मॉडल को पूरे भारत ने स्वीकार किया है। पौधारोपण जैसे पुनीत कार्य करके उनके जन्मदिन पर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर रविशंकर सिंह, क्रीड़ा प्रभारी दुर्गेश पाल, डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, शिशु राय, आशीष कसौधन, शिवांग चंद, कैंट इंस्पेक्टर रवि राय, चंदमौली दुबे सहित पुलिस एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त न्यायिक डीके सिंह, राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने कहा। थोड़ा सा पीछे हटिएगा भाई साहब, पड़ जाओ उसको खेलिए। आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जा रहा है और जिसके उपलक्ष्य में जो है माननीय मंत्री जी कौशिक संदेश में तत्वाधान में आज जो है यहाँ पे वृक्षण कार्यक्रम संपन्न किया गया है और ताकि इसमें नीम के पौधे और पीपल के पौधे सब लगाए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को जो है इससे अच्छे ऑक्सीजन मिलेगी। हमारी यही अपील है कि हर व्यक्ति को जो है वो पौधा लगाना चाहिए और कम से कम लोग संकल्प लें कि आज के दिन जो है कम से कम 10-10 पौधे हर व्यक्ति लगाएं तो इससे जो है पर्यावरण में है काफ़ी जो है संतुलन स्थापित होगा। देखिए प्रकृति जो है स्वयं एक शिक्षक है और आज जो वैश्विक स्तर पर जो वैचारिक भिन्नता आ रही है तो प्रकृति का जो हम लोग दोहन कर रहे हैं, नदी, नाले, पोखरे और अंधाधुंध वनों की और पेड़ों की कटाई के नाते प्रकृति असंतुलित हो रही है और सारे विद्वानों का मत है कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो हमारे अंदर सारी जो शुद्ध ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, यह जो हमको मिलती रहती है यह ठीक ढंग से हमको नहीं मिलेगी। इसीलिए आज मैंने स्वयं सोचा और विगत वर्ष भी किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जो है यह पौधारोपण का कार्य विश्वविद्यालय में किया जाए, क्योंकि हम लोगों का विश्वविद्यालय से लंबा जुड़ाव रहा है। इसी छात्रावास में हम लोग रहे, पढ़े, छात्र संघों का चुनाव लड़े, अध्यापक हो गए, तो यहाँ से अमूमन हम लोगों का एक लगाव है और आज इसीलिए पिछले वर्ष माननीय जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और माननीय कुलपति जी ने किया था, आज अपर आयुक्त महोदय ने किया, तो इसके लिए हमने कहा कि आज से अच्छा शुभ अवसर नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पेड़ों और प्रकृति के प्रति
जीव जंतु के प्रति स्वयं उनका बड़ा स्नेह रहता है और स्वयं आप उन्हें गोरखनाथ आश्रम में आप जानते होंगे कि सैकड़ों गायें हैं, कुत्ते हैं, मछलियाँ उनके भीम सरोवर में हैं, बत्तख हैं, वो भैंसे हैं, तो वह स्वयं प्रकृति के और वो जो हमारे जो है जीव जंतु हैं उसके स्वयं वह प्रेरणा स्रोत हैं और हम लोगों के तो व्यक्तिगत संरक्षक हैं। तो मैंने आज का इससे अच्छा उनके जन्मदिन के 48वें वर्ष पर इससे अच्छा शुभ अवसर नहीं समझा।